चैनल सेल्फ स्टेटमेंट। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेकअप, वीमेन फैशन, हॉल वीडियो और स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूं। और मेरी स्टेटमेंट सेल्फ स्टेटमेंट फैमिली से जुड़ने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस डालती हूं, हमेशा मैं नया कंटेंट लाने की कोशिश करती हूं। और आपने जो सोचा होगा अभी तक वो कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। आप प्लीज चेकआउट कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और स्टाइल स्टेटमेंट फैमिली का हिस्सा बनिए। आज की वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि आज हम कैसे एक प्लाजो साड़ी, आपने सुना होगा प्लाजो साड़ीज आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, तो हम ये प्लाजो साड़ीज को किस तरह से पहन सकते हैं डिफरेंट वेज में। पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता प्लाजो साड़ी होता क्या है और क्या चीज होती है, ये मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप किस तरह से घर में ही साड़ीज के साथ और दुपट्टा और प्लाजो के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्लाजो साड़ी का इफेक्ट, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। फोर वेज में बताऊंगी आपको इसमें, और आपको जो पसंद आया मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके। दो मैं दुपट्टे के साथ बताऊंगी, दो साड़ीज के साथ बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट है और आप कहीं भी पहन सकते हैं। इवन आप अगर शादी में जा रहे हैं कहीं पर तो भी इसको पहन सकते हैं, बहुत स्टाइलिश लगता है। तो चलिए बिना ज्यादा बकबक करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टाइल में मैंने ब्लैक प्लाजो ब्लैक टॉप के साथ पहना है। ये टॉप मैंने शीन से लिया था और उसके बाद मैंने स्टाइल की है ये वाली साड़ी। एक सिल्क साड़ी है ये, और ये बहुत ही अच्छी तरह से जा रही थी इस पूरे आउटफिट के साथ, तो मैंने ये वाली साड़ी चूज़ की है। अब इसके बाद मैंने अच्छे से साड़ी को पहले प्लीट्स किया है, अबाउट हाफ एन साड़ी मैंने इसमें प्लीट कर ली है अच्छे से। इसको प्लीट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा हिसाब से अपने हिसाब से पल्लू छोड़ लीजिए, और जितना आप हाफ साड़ी हो जाए उतना आप कर लीजिए इसका प्लीट। हाफ साड़ी हो गई है, अब इसको प्लीट करने के बाद मैंने पीछे से टक किया, इसको पीछे इस तरह से अपने प्लाजो में टक कर लीजिए अच्छी तरह से, और फिर प्लीट को फैला लीजिए पीछे अच्छी तरह से चारों तरफ, और पल्लू को इस तरह से लेना है हमने जैसे हमने साड़ी का पल्लू लेते हैं इस तरह से। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में एक बड़ा सुंदर सा काउल बन गया है और प्लाजो दिख रहा है उसमें से, टॉप दिख रहा है साइड में से, बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। इस तरह से ये मैंने रफली अभी आपको पहन के दिखाया है। अच्छी तरह से इसको सेट करना अभी बाकी है, पीछे से अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे, प्लीट्स को हम फैला लेंगे इस तरह से चारों तरफ हल्का हल्का। सिल्क की साड़ी में यही खास बात होती है, आप एक साइड को पहले प्लीट्स लगा लीजिए फिर उसको स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है इसको सेट करने के लिए तो ये ट्रिक बेस्ट होती है। अब इसके बाद देखिए, मैंने जो इसका पल्लू था साइड में जो पार्ट था स्टार्टिंग का, प्लीट्स जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो वाला स्टार्टिंग का पार्ट, इसको ऐसे फोल्ड करके ऊपर की साइड को टक कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद अब मैंने पल्लू को लिया है और पल्लू को अच्छे से पिन अप कर लिया, पहले प्लीट्स बनाई है। इसमें ब्रॉड प्लीट्स अच्छी लगेगी, चौड़ी चौड़ी सी मैंने प्लीट बनाई है, खूब सारी प्लीट्स नहीं बनेगी इसमें, सिर्फ दो या तीन बनेगी क्योंकि हमने चौड़ी चौड़ी बनाई है। और इस तरह से इसको शोल्डर पे टक इन करके इस तरह से सुंदर सा हमने साइड में काउल बना लिया। और काउल बनाने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें बेल्ट ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चारों तरफ से मैं घूम के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह का ये ड्रेप कुछ बनेगा। और फिर मैंने बेल्ट ऐड की है, ब्लैक के साथ ब्लैक बेल्ट ऐड करना ठीक रहता है क्योंकि पूरे आउटफिट को पुट टुगेदर करता है। और इस तरह से हमने बेल्ट लगाने के बाद थोड़ी सेटिंग कर लेंगे पल्लू की और साड़ी की। इस तरह से बेल्ट लगा के थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा पूरे साड़ी को, और जो साड़ी इधर उधर से उड़ रही थी वो भी एकदम सेट रहेगी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेंगे, हमें काउल जितना भी बड़ा चाहिए उतना हम उसको छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी का हम प्लाजो में टक कर लेंगे।
और ये बन गया है एक बिल्कुल नया सा और बहुत स्टाइलिश सा ड्रेप। इस तरह का ड्रेप बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप पार्टी में अटेंड करने जा रहे हो कहीं पर, या आप किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हो, तो बहुत आप यूनिक से नए से स्टाइल का लगता है। ये देखिए पूरा लुक ऐसा आया इसका, कितना क्लासी और कितना स्टाइलिश लग रहा है पूरा लुक। जैसे पहला मैंने पूरा ब्लैक के साथ रेड साड़ी को कॉम्बिनेशन किया था, अब इस नेक्स्ट लुक में मैंने ब्लू के साथ ब्लू साड़ी पेयर किया है। सेम कलर का ही मैंने प्लाजो पहना है और प्लाजो के ऊपर इस तरह से एक प्लाजो के एक लेग पे हमने पहले साड़ी को रख के प्लीट्स कर लेना है। उसके बाद जैसे मैंने राइट हैंड साइड वाली लेग पे अपना प्लीट्स करके लगा लिया था, उसके बाद अब मैंने पीछे बाकी का लगा लिया थोड़ा सा प्लीट्स, फिर से इसको स्प्रेड कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए सेम कलर का प्लाजो लेने से ये फायदा होता है, बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश सा लुक आता है। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। उसके बाद उसको साइड में काउल बना लेना है और इसका जो पल्लू वाला साइड है उस पर अच्छे से प्लीट्स, नीट एंड क्लीन इसमें पतली प्लीट्स बनेगी, पतली पतली प्लीट्स बना लेनी है और इसको अब हम शोल्डर पे टक कर लेंगे। ये हैवी साड़ीज के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप प्लेन प्लाजो लीजिए और हैवी साड़ी के साथ का मैचिंग का बिल्कुल सेम कलर होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरह से इसको अच्छे से प्लीट करके पहन के, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फर्स्ट लुक में हमने जो साड़ी टक की थी वो पीछे से ही की थी, सिर्फ हमने बैक पे ही की थी पूरी टक, और इसमें हमने फ्रंट से एक लेग पे टक करनी है। एक लेग को ऐसे ही छोड़ देना है प्लाजो के, और फिर उसके बाद हमने अब पल्लू के ऊपर आ गए हैं और पल्लू को नीट एंड क्लीन प्लीट्स बनानी है इसकी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए प्लीट्स इस तरह से। सेट कर लेना इसको शोल्डर पे अपने, और ये देखिए बिल्कुल यूनिक स्टाइलिश सा एक लुक तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसको हैवी साड़ी पे ट्राई करेंगे। हैवी साड़ी का मैंने आपको बता दिया ट्रिक कि सेम कलर का प्लाजो लेना है और इस तरह से ब्लाउज के साथ मैंने इसको पेयर किया है और बहुत ही स्मार्ट लुक आया है इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो आप इसको इंटैक्ट रखने के लिए साड़ी को और प्लाजो पे, तो आप बेल्ट भी लगा सकते हैं और बेल्ट लगाकर बहुत ही अच्छा लगता है पूरा लुक। अगर नहीं चाहते तो मैं विदाउट बेल्ट का लुक भी दिखाऊंगी आपको। इस तरह से बेल्ट लगा लेनी है हमने। इयररिंग्स आप अपने हिसाब से पहन सकते हैं ओकेजन के हिसाब से। मैंने ये थोड़ा ड्रेसियर टाइप का दिखाया है तो इसलिए मैंने हैवी झुमकी वाले इयररिंग्स हैवी वाले पहने हैं। आप चाहे तो इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं एक्सेसरीज के साथ। ये देखिए पूरा लुक बेल्ट के साथ, ये विदाउट बेल्ट। पर्स ले लीजिए और एक बहुत ही बढ़िया सा पार्टी वेयर लुक तैयार है। थर्ड लुक में मैंने प्लेन प्लाजो और दुपट्टे के साथ इसको किया। इस तरह से मैंने प्लाजो के ऊपर एक खुला खुला सा टॉप पहना है फ्लावर प्रिंट का, और उसके बाद मैंने एक दुपट्टा लेकर, अगर आपका टॉप के साथ मैचिंग का दुपट्टा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने इस तरह का दुपट्टा लिया है थोड़ा सा मैचिंग का, जो सबसे ज़्यादा मैचिंग हो रहा था। उसके बाद मैंने इसको टॉप के साथ इसको फ्रंट से टक इन कर दिया है जितना लंबा आप चाहते हैं। ये वाला स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, मैंने रिया कपूर और सोनम कपूर दोनों को पहने हुए देखा है ऐसा। फोर्थ लुक के लिए आप इस तरह से प्रिंटेड प्लाजो लीजिए लाइट से कलर का, उसको वाइट शर्ट के साथ या वाइट टॉप के साथ पेयर कीजिए, और इसमें मैंने दुपट्टे को रखा है एकदम प्लाजो वाले कलर का वाइट और पिंक। फॉर्चुनेटली ये शेड्स मिल रहे थे आपस में बिल्कुल, तो मैंने ये वाला लिया। और इस तरह का जैसे हमारी साड़ी का फ्रंट पल्ला होता है आगे सीधा पल्ला करके हम लेते हैं, वो वाला हमने पल्ला लिया है। सिंपल है और बहुत इजी टू कैरी है, एकदम इंडो फ्यूजन लुक है, बहुत अप्रोप्रिएट है अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं और कोई थोड़ा सा ड्रेसियर होकर जाना चाहते हैं आप, तो ये एकदम से डिफरेंट और स्टाइलिश लुक लगेगा। थोड़ी सी मैंने इसमें गोल्डन ईयरिंग्स पहने हैं
स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आपने आज का वीडियो पसंद आया आपको, उम्मीद करती हूं आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरी मेहनत को कंसीडर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी या बाय बाय।